हेलो दोस्तों, शिक्षा जगत की प्रमुख खबरें लेकर के मैं प्रेजेंट हुआ हूं। और आज की पहली खबर है, परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में चयनित 31,277 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया। आज के सभी समाचार पत्रों में ये खबरें हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा। हेलो दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है कि सामाजिक विज्ञान में 924 अभ्यर्थी सफल। दोस्तों, बहुप्रतीक्षित सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट शुक्रवार को जारी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय माध्यमिक कॉलेजों की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 सामाजिक विज्ञान विषय का रिजल्ट जारी कर दिया शुक्रवार को। पेपर लीक प्रकरण में लिखित परीक्षा का परिणाम रुका था। शुक्रवार को पुरुष वर्ग के 926 पदों के लिए 924 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इसमें अनुराग श्रीवास्तव पहले, आलोक सिंह दूसरे व अजय कुमार राय तीसरे स्थान पर चयनित हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के समाचार पत्रों में यह भी खबर ज्यादातर छाई हुई है, 3,00,000 नई नौकरियां, जल्द 6 महीने में नियुक्ति पत्र। सरकार अलग अलग विभागों में बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां देने की तैयारी कर रही है। अगले कुछ महीनों में करीब 3,00,000 सरकारी नौकरियां निकलेंगी। हेलो दोस्तों, अगली सूचना यह है कि राजकीय महाविद्यालय को मिले हिंदी के 57 प्रवक्ता। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय को हिंदी के 57 प्रवक्ता मिल गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को प्रवक्ता के 57 पदों का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। मेरिट में मनीष कुमार मिश्र को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। हेलो दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में यह भी खबर छाई हुई कि इग्नू जुलाई 2020 सत्र की अंतिम तिथि बढ़ाई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2020 सत्र में ऑनलाइन नामांकन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर से बढ़ाकर के 25 अक्टूबर कर दी गई है। हेलो दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में ये भी सूचनाएं हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के चयनितों की काउंसलिंग शुरू। 4 विषयों में चयनित कई अभ्यर्थियों को नहीं आवंटित हो सके थे कॉलेज। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 47 के तहत 4 विषयों के कई चयनित अभ्यर्थियों को सीटें रिक्त न होने के कारण कॉलेज आवंटित नहीं हो सके थे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार से ऐसे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू करा दी है। 19 अक्टूबर को इन्हें नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। हेलो दोस्तों, अगर इस चैनल से आपको बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।